दिमाग में ये चलता रहता है, एक बार कर लिया और आगे कैसे करना है। नशे पे शुरू, नशे पे ख़त्म। ये मेरी वाइफ हैं और ये मेरी बेटी है बिस्मन, इसका नाम है। सेकंड क्लास में पढ़ती है, स्कूल जा रहे हैं ये। और मेरी मिसेज भी वहीं लैब अटेंडेंट है, जॉब करती है उसी स्कूल में। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਟਰੀ, ਲਾ ਜਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੌਮ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਮੰਮੀ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਅਗਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹੀ ਬਿਠਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਖੇਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਾਸੂਮ ਸਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਸਾ ਥਾ ਮੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ, ਐਸਾ ਥਾ। ਮੈਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਬਦਲੇ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਥਾ ਮੈਂ। ਥਰਡ ਤੱਕ ਵਹੀਂ ਥਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਸੇ, ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ उनके साथ जिस स्कूल में मैं गया हूँ वहाँ टीचर्स के साथ अच्छी पढ़ती थी मेरी, बनती थी बढ़िया बढ़िया था, क्योंकि एक इंटेलिजेंट था, एक शरारत नहीं करता था, और गेम्स वगैरह हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, एक्टिंग करता था, स्किट वगैरह शुरू से करता रहा था मैं। फर्स्ट क्लास से मैं लगा हुआ था इस काम में। जब भी हमारे स्कूल में फंक्शन होता था, कोई स्किट वगैरह होती थी, उसमें पार्टिसिपेट करता था मैं, होता ही होता था। और एक हमारा जो फोक डांस है भंगड़ा, वो भी शुरू से मैंने किया बचपन से। थर्ड के बाद मैंने चेंज कर दिया था, थर्ड क्लास के बाद फिर मैंने अलग चेंज कर दिया वहाँ। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी बंदिशें थी स्कूल में, मतलब थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कल्चरल था, थोड़ा सा धार्मिक स्कूल जैसे कहते हैं। और जिसमें अब आ गया था, इसमें मैंने अपना केस कटवा दिए थे, और थोड़ा सा मॉडर्न था, मॉडर्नाइजेशन में आ गया था थोड़ा सा, लोग अच्छे, किसी के बाल देखे, किसी के जेल वगैरह लगी है, वो चीज़ें मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा खींच रहा था मैं। लेकिन बट बाकी सब तो सेम ही था, स्टडी बढ़िया थी उसमें भी, ऐसा नहीं है, सब एक्टिविटीज सेम थी और होती थी। अगर फाइनेंशियली देखे तो मुझसे बड़े थे वो, पैसे वाले थे, मतलब मैं थोड़ा डाउन था।
दसवीं मैंने 2006 में की, 84% थे टेंथ में। घर वाले बहुत खुश थे, उनको प्राउड फील हो रहा था, पापा खास करके, कि फर्स्ट आया था मैं, क्योंकि क्लास में सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स आए थे, इस चीज़ की उनके बहुत खुशी थी। बहुत क्लोज था पहले मैं बचपन से पापा के, डर भी लगता था, लेकिन वो मेरी हर बात मानते थे जो भी मैं कहता था, क्योंकि उनको ये था भी पढ़ाई सब चीज़ में अच्छा है, इसलिए मैं जो भी कहता वो मुझे ला कर देते थे। जैसे कभी टूर पे जाना, उन्होंने कैसे भी करना मुझे पैसे ला कर मुझे भेजना, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं टूर्स। उनको ये था आईपीएस या आईएएस मैं बनूँ बाद में आगे जाकर, और उनकी आंखों में ये चीज़ मुझे दिख रही थी, उनको बहुत इस चीज़ का था कि हाँ ये बनेगा कुछ। प्लस वन में भी अच्छे मार्क्स आए, बढ़िया, और प्लस टू में जाकर जैसे कहते हैं ना आज़ादी ज़्यादा आ गई थोड़ी सी, होता है जब टेंथ के बाद हम, क्योंकि इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो गया था मैं, क्योंकि खुद जाने लगा, बस जाता था, पहले तो वैन में, स्कूल वैन थी, फिर प्राइवेट बस में जाने लगा मैं, और आज से थोड़ा सा खुल गया था मैं, इंडिपेंडेंट हो गया, उस चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा था मेरे ऊपर, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, वो चीज़ें हावी हो रही थी, लेकिन कुछ हद तक मैंने कंट्रोल करा रखा, वो चीज़ नहीं ज़्यादा अपने ऊपर जाने दिया। प्लस वन में अच्छे मार्क्स आ गए, और जो साथ वाले थे वो कभी कभार कोई बियर पी लेता वहाँ पे स्कूल के टाइम में भी कभी, क्योंकि उसके ना थोड़ा सा नज़दीक ही वो क्या कहते हैं उसको, ठेका था वो दारू का, कुछ बच्चे वहाँ पे हाँ जब ब्रेक होती थी चले जाते और वहाँ से ड्रिंक करके वापस आ जाते थे, ये चीज़ें हो रही थी मेरे आसपास कुछ हद तक। होता था दिमाग में भी यार ये क्या पी रहे हैं, इसमें क्या है, चल रहा था दिमाग में, और कुछ मेरे घर में भी होता था, ये फादर भी थोड़ी बहुत ही ड्रिंक कर लेते थे, चाचा थे एक वो भी। मेरे प्लस टू में एग्ज़ाम हुए हाफ ईयरली, तो मेरे फ्रेंड का कोई रिलेटिव था वो हमें लेने आता था, हमारे माँ पेपर चल रहे थे और वो बाहर बैठा अपनी बाइक पर बियर पी रहा था और एक हाथ में सिगरेट थी उसके। ये कौन से साल की बात? ये 2008-09। और जब हम बाहर निकले तो वो पी रहा था, मुझे देखकर लगा, मैंने कहा अभी इस, क्योंकि उसके साथ हमारी बातें होती रहती थी हर एक टॉपिक पर, खुले हुए थे जैसे हम कहते हैं भी ज़्यादा था, और मैंने कहा यार ये मैंने भी पीनी है मुझे दो, और उसने मुझे आगे कर दी मेरी, और मैंने उसकी घूंट निकली, कड़वी थी लेकिन अच्छा लगा मुझे अंदर से भी, हाँ यार पी लिया, अब पता चलेगा भी इसमें क्या होता है ये वो, और सिगरेट पी रहा था वो भी, मैंने कहा ये भी मुझे दो, चलो पीनी तो नहीं आई, मैंने वैसे ही चलो ट्राई किया उसका भी। अपने दिल को दिमाग को ये तसल्ली मिली भी हाँ ये मैंने ट्राई कर ली, जैसे होती है अंदर से भी यार कोई मंजिल पा ली हो जैसे होता है ना, उस तरह का मुझे लगा भी मैंने कोई चीज़ ट्राई कर ली, अब अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन के बाद उसी जो रिश्तेदार था उसके घर में हमें रात रुकने का हुआ कोई बना चांस, और वो घर में विस्की पी रहा था, मैंने कहा यार मैंने इसको भी मैंने भी पीनी है दो मुझे, उसने मुझे गिलास में डाल कर दी, और जब मैंने वो पी वो ज़्यादा कड़वी थी, मैंने कहा यार ये तो कड़वी है, और उसका क्या कहना था भी कल को चल मेरे साथ शहर, मैं तुझे कोई मीठी चीज़ पिलाऊंगा, होगा उसमें नशा ऐसा ही पर वो होगी पीने में मीठी, और मैं क्या सारी रात मैं सोया नहीं, यही सोचता रहा, जैसे एक्साइटमेंट होती है अभी सस्पेंस भी यार ऐसी क्या चीज़ होगी जो मीठी भी है, ये तो अच्छा है मीठी भी होगी और नशा भी उसमें होगा। यहाँ मुक्सर में तब ये ओपनली मिलती थी, कफ सिरप आती थी उसका नशा होता था, और वो गया लेकर आया, बोला ये पी,
कम पीना, कहता इसमें नशा ज़्यादा होता है। और मैंने दो घूट पी, 5-7 मिनट में चाय की थी, बोला था ऑर्डर दिया था वो आ गई, 7-8 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट कम से कम। और मैंने गिलास पकड़ा हुआ था ऐसे, और मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई, और मुझे ये नहीं पता चला कब वो गिलास चाय का नीचे गिर गया हाथ से, इतना उसमें नशा था पहली दफ़ा जब मैंने पी। हर रोज़ का हो गया हमारा, ये चलता गया, पहले एक दो घूंटे पे घूंट थी, फिर बाद में वो धीरे धीरे करते पूरी एक उस पर आ गए, कफ सिरप की एक बॉटल पे छोटी थी। और जब वो थोड़ा सा नशा वो कम करने लगी, उसमें उसके साथ टैबलेट्स आती थी कि वो मेंटल हॉस्पिटल में जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, उनका दिमाग सही या सुन उसके लिए। फिर मैं 5-6 महीने में जग भर लेते थे, फिर जग में डाल लेते थे 7-8 वो बीच में थे, और 20 और 25 टैबलेट्स एक बार में खा लेते थे, इतनी डोज हो गई थी। जब मेरे 12वीं के फाइनल एग्ज़ाम होने थे तो पापा मेरे साथ चले गए, चलो चलते हैं रोल नंबर ले आएंगे। और जब वहाँ पे गए, जो वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, उनके पास भी रोल नंबर दो मेरे बच्चे को, वो बोले ये तो कौन है, इसको तो मैं जानता नहीं, क्योंकि मुझे 6 महीने हो गया था, मैं गया नहीं था। वो कहते भी ये तो घर से तो रोज़ मतलब रूम लिया हुआ है, ये ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी आता ही होगा। वो कहते 6 महीने हो गए, ये रजिस्टर देखिए अटेंडेंस आया ही नहीं ये तो। और पहली बार हुआ था वो तब जब मेरे पापा ने मेरे पे हाथ उठाया, 2-3 थप्पड़ मारा मुझे खींच के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के सामने। और तब भी मुझे ये नहीं लगा भी मेरी, क्योंकि नशा किया हुआ था, दिमाग में बस यही था भी मैं सही हूँ, मेरे पापा ने मुझ पर हाथ क्यों उठाया। और वहाँ से मैं उनसे झगड़ कर वहीं चला गया, मैं नहीं आपसे बोलूँगा, मैं जा रहा हूँ। और 1-1.5 महीना मैं मोगा साइड हमारे फ्रेंड सर्कल बन गया था तब तक थोड़ा बहुत, वो इधर आ जाते थे ऐसे, उनके पास चला गया। और वहाँ भी वही सोसाइटी थी, नशे करते थे और वहाँ पर भी वही चलता रहा। वो तब स्मैक आती थी, स्मैक कहते थे उसको, वो पेपर पे पीते थे उसको, वो कहते थे ना अगर अभी आज तुम स्मैक पी ले तो आज तो तुम्हें याद रहेगा भी क्या क्या कर रहे हो, कल सुबह उठोगे वो डिलीट मतलब माइंड में नहीं होगा भी क्या किया कल या कहाँ गए, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैं भी देखूँ ऐसा वाकई हो रहा है, वो मैंने ट्राई की। फिर वो तो वैसे ही रहा था, याद नहीं रहता था किस रोड से गए आए हैं, ये गए तो सूफी होते थे, अगर घर आना जा कहीं पे भी जाना याद नहीं रहता था कहाँ कहाँ गए हैं अगले दिन। फिर वो 7-8 महीने साल के लिए वो स्मैक ट्राई करने लगे, फिर ये होता जो गांजा वगैरह कहते हैं इसको, वो पीने लग गए सिगरेट में भरकर, ये चलने लगा साथ साथ में, जैसे जैसे अफीम पोस्त ये तो हमारे आम सी बात है, वो भी कभी कभी ट्राई करने लगा। 12वीं छूट गई, बस एग्ज़ाम तो दिया ही नहीं, रोल नंबर नहीं मिला। एडमिशन नहीं मिला कॉलेज में, वैसे ही चले जाते थे वहाँ पे, कोई पूछना नहीं था, आउटसाइडर भी कॉलेज में चले जाते थे, कोई उस रोक टोक नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे ना इलेक्शन नहीं होते, झगड़ा करके जो जिसको भगा गया, जो वहाँ पे रह गया वो पोस्टर लगा देता था अपना, ये हमारा प्रेजिडेंट जिस टीम को भगा दिया, लड़ाई होती थी टाइम बांध कर भी इस टाइम में हम। और मैं वहाँ पर जाने लगा, और उनको देखकर मुझे भी लगता यार मेरा भी नाम हो, वो सोच उस तरफ चली जाने लगी मेरी सोच, मैं भी बड़ा बदमाश बनूँ, सभी मुझे भाई भाई जैसे उसको बोल उनको बोल रहे हैं, मुझे भी बोलें, मेरा भी डरे मुझसे, किसी के लड़ाई होने चले जाना आगे आगे और सबसे आगे जाना कि मैं आगे हाईलाइट हूँ, कि मुझे भी जाने जाके पहले थप्पड़ मार देना किसी, अगर कोई बैठे समझौता भी कर रहा है फिर भी जाके चला देना काम, ऐसा हो गया था। और फिर मेरा नाम तो पवित्र था,
वो बोले यार ये कैसा नाम हुआ, नाम बदल दिया था। और वो मुझे बाद में पैरी पैरी कहने लगे, पैरी। और मुझे धीरे धीरे जानने लगे सभी पैरी भी कोई है। फिर 1.5-2 महीने बाद वापस आया मैं, और फिर मुझे काफ़ी डांटा भी तू क्या कर रहा है, पापा ने भी कहा, रोते थे मेरे पास बैठ कर भी। ये नहीं था मैंने उनके पर कभी हाथ उठाया जा उनको मारा, कोई जैसे ये चीज़ कोई तोड़ दी, जैसे विंडो का शीशा इसमें मार दिया, पैसे दो, नहीं दोगे। एक बार मैंने पैसे मांगे घर, पापा ने नहीं दिए। हमारी कार होती थी मारुति 800, मैंने सारी तोड़ दी, शीशे उसके सब तोड़ दिए। घर वाले जो हमारे थे वो हमें मुझे जो ये बाबा होते हैं उनके पास लेकर जाते, और उनके साथ क्योंकि बाबा क्या ज़्यादातर करते हैं भी, आप घर वालों कहते हैं आप बाहर जाए, मैं इससे अकेले में बात कर सकता था। जब वो कहता तो मैं उनको अपने साइड में कर लेता था, मैं कहता था भी देख, थोड़ा सा गुस्से में भी कह देता कि ये तुम्हें जितने पैसे मांगेंगे देंगे, तुमने इस मेरे घर वालों को यही कहना है भी जो ये मांग रहा है इसको दे देना, अगर नहीं मांगोगे तो ये इसके अंदर जो आत्मा है वो आपको ले जाएगी। और वो ऐसे ही कहते करते, गिर जाना, ऐसे पड़े रहना 2-2, 3-3 घंटे, बोलना ना, एक्टिंग करनी, मतलब बेहोश हो गया इसमें कुछ आ गया, फिर ऐसे शोर मचाना। फिर तो 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ऐसे मांगने लग गया, कोई 3-4 दिन निकालने, फिर कह देना मुझे इतने चाहिए। इसका मुझे बहुत इजी हो गया। फिर ये तो साल ही चला है 13 तक। फिर मैंने कुछ तो ना, क्योंकि उधर मेरा बदमाश उसमें भी नाम ऊपर आने लगा था, लोग जानने लगे थे, और फिर मैं पॉलिटिशियन के जो हमारे थे उनके संपर्क में आ गया, पता चला भी इसके पास आदमी है या कुछ भी है, इसके पास स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, उनसे पैसे मिलने लगे मुझे, जितने मांगता था वो दे देते थे, इकट्ठे 1 लाख दे दिया, 50 हज़ार दे दिया भी आप आदमी लेकर आओ, भी बसें भर कर लाओ, वो मांगते हैं वो तो, कोई नशा, कोई दारू पी रहा है, कोई और नशा कर रहा है, कोई फीम खा रहा है, कोई दोस्त खा रहा है, उनको उसी हिसाब से दो, कोई पैसे ले रहा तो पैसे भी दो। जैसे इलेक्शन होते वोटों में, जैसे वहाँ भी उनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है अपना पॉलिटिक्स पार्टी को, भी धक्का भी करना पड़ता है, कहीं पे वोटें जाली भी डालनी होती हैं, और पुलिस को रोक देते थे वो, और हमारे माइंड से पुलिस का खौफ तो तब उठ ही गया था। कई बार तो पुलिस ऐसे खड़ी होती थी, हम ऐसे पीट रहे होते थे, वो फेस दूसरी तरफ कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था फोन आ जाएगा ऊपर से, ये हमारा आदमी है छोड़ो इसको। वो भी कुछ हद तक बेबस हो गई थी पुलिस, और थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं हम भी हफ्ता वसूली हो जाती है शहर में दुकानों में, वो करने लग गया, उनसे लेने लग गए। अगर किसी का कोई झगड़ा लड़ाई झगड़ा, ज़मीनों पे कब्जे, किसी का छुड़वाना है, किसी की भी दबानी है, वो चीज़ें। घर वालों को ये था भी इसके ऊपर मैरिज कर देंगे, जिम्मेवारी सी आ जाएगी, कबीलदारी जैसे कहते हैं भी, ये फिर धीरे धीरे सुधर जाएगा। 2014 में मैरिज होती है अक्टूबर में, मेरे पास गाड़ी आ गई शादी के बाद। ये हमारे होता है सगन देते हैं, वो पैसा भी आ जाता है लड़की के पास, लड़की का पैसा भी एक था जगह होता है, और मैं और खुल गया उस चीज़ से। शादी हुई थी, पैसा था जेब में, गाड़ी थी नीचे, यही सोचता था भी मेरे जैसा कौन है, मतलब मैं एक कह देते हैं
ਵੀ ਗਰਦਨ ਮੇ ਸਰੀਆ ਜੈਸੇ ਵੀ ਦੌਣ ਮੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਐਸੇ ਅਕੜ ਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਗਾਉਣਾ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਰੋਕ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥੇ ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਸੇ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਥੀ ਵੋ ਬਾਤ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ वाइफ के प्रति शांत बिल्कुल क्योंकि मैं शुरू से ना भी लड़कियों की इज्जत शुरू से करता हूँ नशे के दौरान भी मैंने किसी गांव में भी कहीं भी बहू बेटी को कभी कोई कमेंट नहीं तो आपको मालूम है क्या लोग ईव टीजिंग करते हैं ना वो मैंने आज तक नहीं की कभी भी रिस्पेक्ट करता था शुरू वैसे ही वाइफ की भी करता था कभी इसको कोई कुछ नहीं कहना अपने बस नशा कर लिया थोड़ा बहुत अगर नशा नहीं किया चुप करके अपना पड़े रहना भी बात नहीं करनी अगर किया तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेना नहीं तो ठीक है बस घर में कम रहता था बाहर ही रहना शाम को ही आना कभी बार आना ही ना कई कई दिन ये चल रहा था कई बार कह देते थे भी आपकी आंखें ये ऐसे हैं या आप आंखें क्यों बंद हो रही हैं उनको बस एक दो चीज़ें में मैंने उलझा रखा था एक तो मैं कहता था अफीम खाई हुई है या मैं ड्रिंक की हुई है खुद बताए मैं अफीम जहाँ ड्रिंक कर लेता हूँ और नहीं और ये हमारे घर पंजाब में खास करके इस चीज़ को कहते हैं ये तो सरदारी नशा है दारू तो हर एक ही पीता है फीम भी खा लेता है कोई बात नहीं ।2015 में मेरी बेटी का जन्म हुआ दिसंबर में 2 दिसंबर का शुरू से ही सोचता था भी मेरे बेटी हो पहले जो मेरे बच्चा हो वो बेटी हो बेटा ना हो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मेरी बेटी होगी जब मुझे ऐसा होता था मेरी बेटी ही और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस चीज़ की उसको थोड़ा सा पता चलने गया पापा है मेरा या थोड़ा मेरे से लगाव करने लगी थी तब थोड़ा थोड़ा आने लगा था कभी कभार कोई 2 महीना एक आधी बार आता भी इनका क्या होगा या मेरी बेटी का क्या होगा कभी सोचना कब जब मैंने नशा किया होता था अगर नहीं किया तो तब तो बस मुझे नशा ही करना और कुछ दिमाग में नहीं आता था नशे पे शुरू नशे पे ख़त्म तब तक मेरा इतना सर्कल बढ़ गया था बाहर भी पैसे ना होते तो जो नशा बेच रहे थे वो दे देते थे मुझको नशा दे देते थे जो कुछ डर के मारे जाते और तब जो बेचते थे उनका मैं बिकवा देता था मुझे किसी ने फ़ोन कर दिया भी मुझे चाहिए दिला दे कहीं से और मैं आगे उनसे लेकर उसमें से निकाल लेना क्योंकि तब तक मेरे गांव में इस चीज़ का पता चल गया था भाई जब ये नशे में है नशा कर रहा है और लोग मेरे पास रुक गए थे मतलब कोई आ नहीं रहा था आस पास भी जब कोई खड़ता था रुकता था कोई किसी का बेटा या कुछ भी बच्चा घर वाले उसे मारने तक जाते थे पीटने तक तो उसके पवित्र के पास क्यों खड़ा है वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा या नशा कराएगा या कुछ भी या गलत गाइड करेगा तुम्हें माँ भी बाप भी सभी डिप्रेशन में जाने टेंशन में रहने लगी यही सोच रहते थे भी किसी टाइम इसको कोई हो कुछ हो ना जाए अगर इसकी बात ना माने तो ये इसको मतलब डेथ ना हो जाए पापा को ये टेंशन रहती थी हमेशा कि ये पता नहीं क्या करेगा किसी को मारेगा या खुद मरेगा क्योंकि 2-3 बार तो कार का एक्सीडेंट हो गया था भी लग गई थी मुझसे और 1-2 बार मोटरसाइकिल से भी गिर गया था नशे में तो उनको ये टेंशन थी ये किसी के ऊपर कार ना चढ़ा दे या एक्सीडेंट ना हो जाए जहाँ किसी से लड़ाई झगड़े में ना इसको कुछ हो जाए जहाँ किसी सामने वाले को ना ये कर दे और 2018 में 20 अक्टूबर था उस दिन और उससे एक रात पहले हम इस इधर फिरोजपुर साइड ज़मीन का कोई सीखा रौला था झगड़ा था वहाँ पे कब्ज़ा दिला कर आए थे दूसरी पार्टी को और घर में ये चीज़ पता चल गई थी ये वहाँ से आए काफ़ी झगड़ा हुआ था वहाँ पे गोलियाँ तक चली थी और पापा उस रात सारी रात सोए नहीं
क्योंकि सुबह मुझे छोटा भाई जो चाचा का बेटा था वो क्योंकि पापा को कह रहा था अभी क्योंकि उनको बड़े पापा कहते थे भी, बड़े पापा आपने रात मुझे सोने नहीं दिया, कभी मेरे साथ आकर सो जाते थे, कभी उठ खड़े मैं भी नहीं सोया आपके साथ, सोया नहीं। और उससे 15 दिन पहले ना मैं और पापा हमारे दोनों के बीच झगड़ा हुआ था 15 दिन पहले। उससे झगड़ा क्या हुआ था, मैंने कहा था क्योंकि कार तो मैंने एक्सीडेंट कर दी थी, वो तो एजेंसी में ठीक होने के लिए लगाई थी, मोटरसाइकिल था वो लेके जाना था, मैंने कहा मैंने लेके जाना, पापा कहते मुझे काम है, मैं उस हम दोनों चलो आपस में बोल पड़े, काफ़ी झगड़ा बोल हुआ हम दोनों के बीच में, और हमने एक दूसरे को बुलाया नहीं था, ना उन्होंने मुझे बुलाया ना मैंने उनको बुलाया था, भी वैसे बिना बुलाए ही चले गए यानी कि वो। और सुबह जब गए हैं वो, उनको मैंने देखा वो नहा कर बाहर आए, एक एक जैसे उतना हमने ऐसे देखा और एक निगाह में देखा उनको बस, फिर मैं अपना बार को आ गया और वो तैयार होकर चले गए। मेरे हिसाब से 15-20 मिनट के बाद कॉल आ गई वहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ था चाचा जी को, ऐसे करके एक्सीडेंट हो गया उनका। और मुझे कोई ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा था क्योंकि एक बार ना 5-6 साल लगातार उनका एक्सीडेंट होता रहा था, कभी टांग टूट गई, कभी सर में या कभी थोड़ा सा इस फ्रैक्चर आ जाना, और मुझे यही था भी थोड़ा बहुत गिरे होंगे, कुछ ऐसा सीरियस नहीं था, मैं ठीक है। चाचा जी मुझे बोले भी तू ना साथ में हमारे जा, हम कोई नहीं देख लेते हैं जब। लेकिन उसके 40-45 मिनट के बाद चाचा जी का फ़ोन आ गया घर में, घर वाले फ़ोन पे, इनकी ऐसे डेथ हो गई। घर में वो लेडीज रोने लगी, सब कुछ गांव वाले आने लगे, रिश्तेदार आने लगे। और तब भी चलो दुख तो था, मुझे ये नहीं कहता मुझे दुख नहीं था, दुख तो होता है, पर मेरे दिमाग में वही नशा जो एक दो रिश्तेदार थे वो पोस्त या फीम खाते थे उनको कह दिया मुझे खिला दो, नशा करा दो कि मैं मर ना जाऊँ, मेरे पापा की डेथ हुई है, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उनसे खा लिया, जो साथ के गांव में जो कोई बेच रहा था वही उसको कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा की डेथ हो गई है, मुझे कोई नशा करवा के जाओ, बाप की तो लाश पड़ी और मैं बाहर नशा ढूंढ रहा हूँ, मुझे नशा करवा दो। और क्या कह रहा हूँ भी, मेरे बाप की डेथ हुई है, मुझे ना कुछ हो जाए, मुझे नशा करवा दो। और वो तो अब क्योंकि मेरे चाचा जी के बेटों ने वो वीडियो बनाई थी उनकी वहाँ संस्कार थे कि जहाँ यहाँ से घर में से लेकर जा रहे हैं उनके चेहरे की, वो अब देखता हूँ अब मुझे पता चलता है तब कैसे थे, नहीं तो मुझे ये कहूँ कि लाइव नहीं, मुझे तब कुछ भी याद भी नहीं क्या हो रहा था या क्या नहीं हो रहा था, मैंने नशा करके उनकी अर्थी को कंधा दिया था तब। नहीं मैं आपको सच में दिल की बात बताऊँ ना, अफसोस भी मुझे दुख तो था, पर थोड़ी बहुत ही ना दिल में ये था कि पापा की डेथ होगी, अब पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा सब, अब मुझे और ऐश हो गई, मतलब कि खुश भी हो रहा था अंदर से, ऊपर से ये था कि मुझे दुख है, अंदर से खुश भी हो रहा था कि अब मज़े आ जाएंगे, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं नशा करूँगा, मन की करूँगा जान के खुल के और करूँगा, ये चीज़ सोचने लग गया था। दिमाग पे नशा इतना हिट कर देता है आपके भी, वो आप सोचते नहीं भी किसी की हया दया जहाँ वो चीज़ नहीं रहती, फिर आपको बस अपना नशे तक है, बस कर लिया फिर हो जाता, दिमाग में ये चलता रहता है एक बार कर लिया और आगे कैसे करना है, यही सोचता रात को जाग आ जाती, सोता ही नहीं कभी कभार, तो सारी रात ऐसे ही देखते छत के ऊपर और दिमाग में वही चल रहा होता कि कल को सुबह उठना है, क-
कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सब क्या बहाना लगाना है। नहीं, बड़ा ही इसके बाद तो बढ़ता ही गया। डैडी की डेथ के बाद ही 2018 से शुरू हो गया था काम मेरा, और 2020 में आते आते जाने के लास्ट टाइम तक तो मैं 4,000 5,000 का इंजेक्ट करने लगा था चिट्टा। पापा की डेथ हुई है, अकाउंट में 4,00,000 रुपया था, और उसका वो एटीएम और पास बुक वगैरह मेरे पास आ गई, और मैं धीरे धीरे 10,000 20,000 ऐसे ऐसे निकालने लगा। बहुत अच्छी कह देते हैं अभी, बहुत खुशी की मोमेंट होती है अभी अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल में एडमिशन करवाना, उसके बुक्स वगैरह बैग। और मैं उस दिन नशा कर रहा था, मेरी मिसेज और चाचा जी और शायद चाची जी, हाँ, और मम्मी, ये गए हुए थे शहर एडमिशन जिस दिन करवानी है। तो उन्होंने कहा भी चलो पैसे निकलवा देते हैं, अभी एडमिशन करवा लेंगे, एक दो और काम थे। और जब मेरी मिसेज बैंक में गई, वाउचर भरा, 1,50,000 के कितने का भरा, उस और पैसे भी चाहिए थे, तो जब उन्होंने देखा, वो बोले अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं हैं, और हैरानी तो होती है अभी क्या किधर गए इतने पैसे। 30,000-35,000 रुपया उस दिन था शायद, 30 इतना ही था, रह गया था 4,00,000 में से इतना मैं उड़ा दिया था नशे के ऊपर। और मिसेज को तब ये हुआ भी इतने पैसे इसने कहाँ लगा दिए। तब भी मेरे घर वाले तब तक भी उनसे जो है पर्दा रखे हुए थे, बताया नहीं था किसी ने भी, उसको एहसास नहीं होने दिया था भी ये नशे कर रहा है। और मैंने मिसेज को बाद में बहाना ये लगाया, मैंने कोई फ्रेंड है वो गरीब है, उसका घर बारिश में ढह गया, उसको पैसे दिए हैं हेल्प करने के लिए, वो धीरे धीरे दे दिए उसके दिमाग में। और वो वैसे थोड़ी सी ये कह देते हैं, बोली भी बहुत है, इतना नहीं सोचती, हाँ ठीक है मान लिया। और घर वालों को तो पता ही था कैसे है वो, थोड़ा आसे पासे मुझे ले जाकर बहुत बोलते, माता मम्मी मेरी कि तू अपने डैडी को भी खा गया, अब भी नहीं तू सुधरा। तब तक ना ऐसा था, जब नशा किया होता था बहुत पछताता था, बहुत ज्यादा अपने आप को, कई बार तो थप्पड़ मारता भी, यार क्या कर रहा है तू, मर जाएगा, जहाँ घर वालों को कितना धोखा, अपनी वाइफ को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है ये झूठ बोलकर। रात को यही मन में सोचता भी, यार नहीं कल नहीं कर, कल को नहीं करेंगे, बस छोड़ देना है। लेकिन जब सुबह उठता तो वो टांगे मेरी टूटती, या ये कुछ भी ऐसे लगता जैसे कोई ना ऐसे प्लास से, प्लास नहीं होता उससे खींच रहा है मेरे ये चीज़ें टांगे, या मेरे ऐसा होता मुझे, जैसे कहते हैं बुरखियाँ से निकलती। तब फिर भूल जाता भी कल खुद से वादा किया हुआ, फिर चला जाता करने नशा, निकल जाता। एक मजबूरी बन गई थी तब तक मेरी, हावी इतना हो गया था भी मजबूरी थी भी करना है, दिल नहीं करता था पर जो मेरा बॉडी थी वो कहती थी कर, नहीं तो पड़ा रह जाओ, तंग होता था। एक दिसंबर सुबह सुबह 7:30 का टाइम होगा, 7:30 का, साथ वाले गांव से मिलता था मैं और मेरा एक साथ था, हम चले गए लगा ले लिया। और मैंने 1500 को ना पहली बार हुआ था जब मैंने इतना इतनी क्वांटिटी में इकट्ठा, क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा था यार छूट तो नहीं रहा, मर जाऊँ भी मर नहीं है, और मैंने इकट्ठा लगा लिया 1500 का, मैंने बोला इंजेक्शन में अकेले में। और मेरा एक और था भी, क्योंकि डेथ बहुत हो रही थी तब सुनते थे, साथ वाले को कहता था भी पहले मैं लगाऊंगा, अगर मुझे कुछ होगा तो बच जाएगा ना, मेरा ये होता था पहले मेरे लगा जा मैं लाऊंगा। और मैंने 1500 को इंजेक्ट किया, और सिरिंज मेरे बीच में वो घूमी तो होश नहीं, बीच में रह गई मेरी वेन के, और मैं बेहोश हो गया।
जब मुझे होश आई, मेरी ये दोनों गालें दुख रही थी, यहाँ ये चीज़ें दुख रही थी, और मेरी ये जो थी अपनी बैक होती है वो शीली हुई थी, जख्म हो रखे थे, भी मच रही थी जैसे कहते आप। और मैंने उससे पूछा भी ये मेरे साथ क्या हुआ। वो बोला भी तुझे पहले तो मैंने जब गिर गया तू, तुझे टांगों से खींच के मैं नीचे, क्योंकि वो एक नहर थी, सुआ छोटा था, उसके साथ में पही थी, उसके ऊपर गिरा था मैं। वो मुझे खींच कर नीचे ले गया, अभी इसको पर्दे में वो ले रखूँगी कोई देख ना ले। कहता फिर मैंने तुम्हारे गालों पे थप्पड़ लगाने शुरू किए, भी इसको होश आ जाए, जोर जोर से मारे और मेरे धड़कन ऐसे दबाया, दिल को भी प्रेस किया भी धड़कन। कहता अभी तुम्हारी धड़कन तक बंद हो गई थी, भी मुझे तो ऐसे ही लगा तुम्हारा अभी नीला पड़ गया था शरीर जैसे कहते हैं, मुझे लगा भी तू मर गया। तब मुझे ये हुआ रियलाइज़ भी मैंने तो साफ साफ मरने के लिए भी मुझे दूसरा जन्म मिला है, भी अब नहीं, मेरी बेटी अगर मुझे कुछ हो जाता मेरी बेटी का क्या होता। दिमाग में मेरे पता नहीं कैसे वो थॉट आया भी समाज उसे क्या कहता, भी यहाँ से जो उसके बच्चे पढ़ते थे उसको क्या छेड़ते, भी तुम्हारा बाप था तो नशेड़ी था, या मेरी माँ को कहते भी तेरा बेटा अमली नशेड़ी था मर गया, क्योंकि हमारे होता है थोड़ा सा ये पिंच करते हैं दूसरे को ये बातें, या कोई रिश्तेदार ऐसे कहता उनके पास क्या, या मेरी वाइफ का क्या होता मेरे बाद में, इसको कैसे कहाँ क्या पता कहाँ शादी होती या क्या होता क्या नहीं, कुछ नहीं होता। मैंने कहा देखना था, मैंने कहा साथ वाले का, मैंने कहा अब नहीं यार मैं नहीं आज के बाद लगाऊंगा, और मेरे पास थोड़ा सा और था वो मैंने फेंक दिया। फिर उस दिन वाइफ को खुद बताया भी मेरे मैं इतना हद तक बढ़ गया था मैं, पर मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ दिसंबर उस दिन बहुत लेट आई सी रात नूं, तां कल्ले सी मम्मा गई हुई सी, है नहीं सी वो, तो उस दिन काफ़ी मे बी 11 o'clock सी टाइम, उन्होंने पहली बार मैनू बताया, उदों ही मैनू पता लग्गिया कि वो कोई ड्रग्स लेंदे आ। ईवन इस तो पहला मैनू कदे शक भी नहीं होया भी हाँ शायद वो कुछ करदे होंगे। बताया कि मैं मतलब शायद ही दुनिया का कोई नशा होगा जरा नहीं किया होगा अज तक। एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा पहला रोई, मतलब मैंने पुत्र तो पहले तो ही शुरू से बहुत ज़्यादा बिलीव कर दी हाँ, तो मैं बहुत फील होया कि मेरा पार्टनर एवें का। बस मैं ये लगे भी पुत्र ने मैं खुद बताया, एक पॉजिटिव पॉइंट सीगा भी शायद जी मैं किसी होर को पता लगता तो मेरे तो झल नहीं होना सीगा, तो शायद झल गई मैं इसलिए भी पुत्र ने खुद बताया मैं। चाचा जी हर कह दें वो दवा देंगे कि तुम भी दवा देंगे पर मैं छड़ दूंगा जो तुम मेरा साथ देंगे तो उस टाइम ही मैं डिसाइड कर लिया चलो बद तो बद जिन्ना हो सके आप कोशिश कर सकते हर चीज़ के लिए, कुछ सुझे ही नहीं उदो तो भी की होगा इन फ्यूचर, फ्यूचर की आ डॉटर भी आ एक तो की बनूगा जो पुत्र ने ना छड़िया, तो यह सारिया गल् एकदम घूमन लग गई भी शायद नहीं छड़ पाएंगे शायद छड़ देंगे पर जे भरोसा करांगे तो छड़ देंगे। स्टार्टिंग दे विच उन्होंने जो मेडिसिन्स लई तो काफ़ी उदो लग्या भी हाँ भी इन्हां पुत्र नूं भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आईयां जदों लत्तां बाहां बहुत दुखदियां सी इन्हां दियां, हाँ जी जिस तरह ये बाइट करन लग जांदे सी तां कंधां विच मरन लग जांदे सी आपदे, तां इस तरह तो नॉर्मल सीगा
उस 5-6 दिन तो यही हुंदा सी ज़्यादा तो ज़्यादा मसाज करना भी चलो ये भुल जाण है ना, इन्हां नूं नींद आवे थोड़ा टाइम 5 मिनट के लिए नींद आवे तो रिलैक्स माइंड होगा, फील करनगे रिलैक्स फील करनगे। तो फिर जिद्दां इन्हां नूं इन्हां दी खुराक का ध्यान दिता गया भी ज पहला हर चीज़ दुध दही पूरा एक्सट्रा दे विच दिता गया। वैसे हर सारी मेडिसिन भी इहदे नाल ही लैनी सी, दुध दही आदर लक्की नाल। तां उदों वध तों वध ध्यान दिता गया भी इन्हां नूं कदे भी वेला नहीं होण दिता, जे मतलब मैं कोई काम करदी हाँ तो आपदी गुड़िया नूं कोले बिठाए भी डैडू कोले बैठो, डैडू नाल गल्लां करो कि स्कूल च करदे हो इदां इदां। तां जे मैं मोस्टली हुंदा सी मैं अपना काम बाद विच कर लैंदी तां ऐ हुंदा सी चल वध तों वध इहनां टाइम स्पेंड करांगे, इहनां दा ध्यान मोल्ड हो जूगा थोड़ा उस पासों, तां मतलब सोचणगी नहीं उस बारे तां शायद तां भुल जाणगे मेरे सारा कुछ। फिर हौली हौली मतलब इंटरनली मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग देखने लगी तो वो थोड़ा लगे इन्हों, तो बाकी हर पॉजिटिव चीज़ ही देखते सी जो भी सी देखते दे। वैसे नॉर्मली इन्होंने फोन रखे नहीं, यही पुछते भी जे मैं उन्होंने कॉन्टैक्ट आऊँगा तो शायद भी वो भी मैं फिर ना लग जा, मैं अंदरों स्ट्रोंग बनना चाहना ता कि उन्होंने मैं ना कह सक जो मैं कोई कहे तो उस टाइम तो पासवर्ड मैं पता हों जो मैं कोल बैठना वो उन्होंने खोलना। ये फिर मतलब मोस्टली रूम के ही रेंदे सी, इन्ना ज़्यादा हौसला देंदे सी नहीं मैं हूँ छड़ दूंगा, एक 4-5 दिन लंघे तो नहीं मैं कर जूँगा हूँ मेरे तो बिलीव कर सकती हाँ, पर आपनों भी हुंदा सी भी हाँ बिलीव करांगे तो ही इन्हां दा होगा भी हाँ इन्हां दा बिलीव तो ही जीता जाऊगा। जो हम मैं आप कह देंगे एक नशे वाले बंदे आप कह देंगे नहीं छड्या तू नहीं छड़ सकदा ऐ नहीं कर सकदे तो वो एक गलत आ, उन्हें एक पॉजिटिविटी दिने ही आ, जे पॉजिटिविटी दिने तो वो कि विल पावर वधदी अपनी। तो यही है भी कोई भी नशे वाला जिहड़ा उन्हों आप पॉजिटिविटी नाल मोटीवेट करते रहो तो 99% चांस आ भी वह छड़ दूगा। तो एक घर का जिहड़ा सहयोग है ये बहुत वड्डा हुंदा। शुरू पता कहाँ से होता है, ये हमारे गांव में मान लीजिए कोई इलेक्शन हो रहा है सरपंची का या कुछ भी, वहाँ भी सब ड्रग्स देते हैं बढ़ावा, वहीं से शुरू होता है। फिर आ जाता है जो MLA की जो बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें भी MP में सब में ये सब देती हैं, ये नहीं सोचते भी इससे क्या असर होगा क्योंकि जिसने ड्रग्स लेनी है उसको मुफ्त मिल रही तो वो तो लेगा, वो क्यों ना कहेगा मुझे ना ले जा मेरे से पैसे ले जा। और दूसरी बात रुक क्यों नहीं रहा जहाँ ये रुकेगा कैसे, रुक इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। एक बार मैं चलो नाम तो नहीं लूँगा, एक शहर में मैं ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा था मुझे, मेरे फ्रेंड ने बताया भी पुलिस स्टेशन से मेरा कोई दोस्त है वहाँ से आपको निकाल कर दे दिया, और पुलिस स्टेशन से मुझे एक पुलिस मैन ने मुझे दिया वो चिट्टा लाकर सेल किया उसने मुझे। और आप ये देख लीजिए कि कई बार मैं किसी एक से लेने जाता था जैसे मैं लेता था ड्रग बेचता था उसके पास 3-3, 4-4 पुलिस वाले कई बार देखे मैंने बैठे उसके साथ पी रहे होते थे। अगर आदमी जाएगा किसके पास, पुलिस पर से भी विश्वास, वो खुद उनको हफ्ता जाता है किसी को महीना जाता है, और पॉलिटिशियंस खुद देते हैं इलेक्शंस में, और बाद में क्या होता है सिर्फ ना एक करेक्टर मतलब चेहरे चेंज हो जाते हैं जब सरकार बदलती है, वो जो सिस्टम है वैसे ही चलता है, हफ्ता वसूली उन ड्रग्स जो बड़े हैं बगड़े मगरमच्छ हैं जिनका जैसे कहते हैं ना होलसेल का सिस्टम भी होता है, और उसका वो बड़ा जो अमाउंट है उसमें से हफ्ता या महीना
वो पुलिस को जाता है, MLAs को तक भी जाता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक है। जो पुलिस प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है, पॉलिटिशियंस भी जिम्मेदार है। पैरी, जो पैरी था वो एक बहुत ही झगड़ालू, गुस्से वाला, किसी पे दया ना करनी, बस सिर्फ उसको नशा, एक तो नशे का नशा, एक उसको अपने नाम का भी, मेरा नाम भी, सब तरफ मेरा ही नाम हो, मुझे जाने, डरे मुझसे लोग और मेरी पूजा करें जैसे कहते हैं। नशा करना, सुबह शाम नशे में रहना, किसी की रिस्पेक्ट भी बुलाना ना, किसी को भी अपना निकल जाना, घर वालों को भी ना बुलाना, उनसे आंखें चुरानी। और अब जो है पवित्र है, एक तो सब, तो सबसे पहले तो वो नशा नहीं करता, दूसरा वो सबको बुलाता है, इज्जत से बुलाता है, कोई बड़ा है चाहे छोटा है। और जो खुद के साथ हुआ है वो दूसरों को बताता है भी, मेरा, मेरे साथ ये हुआ, अगर कोई गलत लाइन में है, अगर आप ना रुके तो जो मेरे साथ हो चुका है ये आपका फ्यूचर होगा, रुक जाओ। इज्जत सबसे बड़ी, इज्जत बहुत बढ़ गई है, लोग अच्छा मानने लगे हैं, कोई राय भी लेते हैं। और पहले बच्चों को मुझसे दूर लेकर जाते थे भी, कोई पैरी के पास रुकना मत, ये तुमको गलत कोई गाइड करेगा जहाँ, अब वही माँ बाप बच्चों को मेरे पास ग्राउंड में छोड़ कर जहाँ, वैसे भी कोई शिकायत वो गलत पास है घर में भी लाते हैं, भाई पवित्र इसको समझा दो, इसका ध्यान रख, इसको ग्राउंड लेके जा। उसका रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेरे पे लगा लो, मुझे ये होता है भी कब, जब सुबह के 5 बजे और मैं ग्राउंड जाऊँ, शाम को भी जब 5 बजे और ग्राउंड जाऊँ, इतनी उत्सुकता होती है भी जल्दी जल्दी टाइम 5 आ जाए मैं ग्राउंड। ये मेरे में पहले भी था, जब 10th प्लस 1 तक पहले भी यही चीज़ थी मेरे में, कब ये टाइम हो और मैं ग्राउंड। पर तब ये था कि कोई उस टाइम मुझे गाइड करने वाला नहीं था। स्पोर्ट्स है ना, वो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में कभी आप हारते भी हो, जीतते भी, अप डाउन आते हैं, और उस चीज़ से आपको सब्र मिलना, जान की विल पावर होती है, कोई नहीं आज हार गए कल को कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे जीते। वही चीज़ अगर आप जिंदगी में भी लागू हो जाती है स्पोर्ट्स में, यूथ को अगर स्पोर्ट्स में ज़्यादा आप अटैच करेंगे, ग्राउंड से जोड़ेंगे, तो 70-80% भी बच सकते हैं।